हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी गाइस एकदम बढ़िया हूँ, और आप देख सकते हो मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि गाइस मैं जा रही हूँ मंडी, और आज मैं मंडी में ही रहूँगी, नए चौक में ही, अपने चाचू के पास। तो कल जाऊँगी मैं घर, यानी कि ससुराल जाऊँगी गाइस। तो अब मैं बहुत दिनों के बाद आऊँगी, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अकेली ही जाऊंगी। अभी जो मेरे हस्बैंड हैं उनको छुट्टी नहीं है, तो वो नहीं जा पा रहे हैं, और आधे रास्ते तक वो भी जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि वो जा रहे हैं अपने फ्रेंड की शादी में। तो शादी है उनके फ्रेंड की। तो वो करती हूँ आज का वीडियो शुरू। मेक श्योर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम निकलने वाले हैं अभी। मैं तो एकदम रेडी हो चुकी हूँ, ये रेडी नहीं हुए हैं, ये भी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। लड़कों को कितना ही टाइम लगता है। और हम कर रहे हैं तीर्थवाई का इंतज़ार, वो है। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, थोड़ी याद आएगी इनकी, तो क्योंकि मैं पहली बार ससुराल जा रही हूँ अकेले, तो और वहाँ पे इनके बिना अकेले रहूँगी पहली बार, तो थोड़ा सा मिस तो इनको करूँगी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी गाइज इनको। तो पहली बार थोड़ा थोड़ा होता है पहले पहले, पर बाद में फिर आदत पड़ जाती है। पर क्या कर सकते हैं, तो आदत तो डालनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस। तो गाइस मैं कब से बैठी हूँ रेडी होके, और ये दोनों है, ये और तीर्थ भाई। ना तीर्थ भाई जल्दी आ रहे हैं और ना ये जल्दी तैयार हो रहे हैं, पर अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। बाकी सारे फ्रेंड इनके शादी में पहुंचने ही वाले हैं, बस ये दो है, पता नहीं कब जाएंगे। इस अक्सर लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है, पर मैं कब की रेडी हो चुकी हूँ, 1 घंटा हो गया मेरे को रेडी हुए। टाइम लगता है भाई, चीज बनेगी। अच्छा चीज क्या बनानी है आपने? शादी में ही जाना है ना? शादी में जाना है तो गुड़ के देखो। टिप टॉप जाना पड़ेगा। वैसे भी आप ठीक ही लग गए। तीर्थ भाई तो अभी बिल्कुल गायब है। तीर्थ भाई कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ, पता चल जाएगा अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे वो। अगर नहीं देखते होंगे तब पता चल जाएगा मेरे को कि वो ब्लॉग नहीं देखते हैं ना। वन मोर ट्राई। फाइनली गाइस हम निकल पड़े। अभी टाइम बज रहे हैं 1:15, और इतने घंटे इंतजार करवाया, फाइनली तीर्थ भाई बता रहे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ मंडी, और अभी निकल रही हूँ मैं मार्केट की तरफ। वहां मैं मिलूंगी अपनी कजन रच्ची के साथ। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट, और अभी रच्ची को देखती हूँ वो कहाँ जैसे होगी। तो ये अभी जा रही हूँ मैं उनके पास, तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे वो लोग मुझे। हमें इतनी ज़रा टाइट हो गई हूँ। हेलो व्लॉग, हेलो, नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। मैं पहुंच चुकी हूँ इन दो बंदरियों के पास, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो हेलो तो कर दो। और हेलो एवरीवन, हो चुका है नेक्स्ट डे, और मैं हूँ चाचूरा के रूम। तो मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल फिर से, पिछले कल फिर से गई थी। तो गाइस अब हम फिर से चल पड़े हॉस्पिटल, और मैं और अच्छी तो इतने ज़्यादा थक गए, पैरों में भी दर्द होने लग गया, पर जाना तो है गाइस क्योंकि काम चाहिए हुआ आज ही। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी जाते हैं अंदर की तरफ। है हमारा हॉस्पिटल, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है क्या। अभी हम जा रहे हैं गाइस 50 नंबर पे, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट है जो कि 3 बजे मिलनी है, वो है ऊपर वाले फ्लोर में। Thank you.
चलो राइट्स रिपोर्ट मेरी मिल चुकी है, तो यहाँ पे मास्क लगाना पड़ता है, बिना मास्क लगाए अंदर नहीं छोड़ते हैं, तो अभी जाएंगे हम डॉक्टर के पास क्योंकि हम लेट हो चुके हैं गाइस। भाई भाई अखबार में मैं बताऊँगी आपको कि क्या है रिपोर्ट में। तो अभी मैं डॉक्टर के पास गई और यहाँ पे काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, पर मैंने इसमें थोड़ा सा ही बताया है। सब कुछ डन हो चुका है, हमने दवाइयाँ भी ले ली है, रिपोर्ट्स भी आ गई है, तो अभी कुछ दवाइयाँ मैंने बाहर से लेनी है, तो हम जा रहे हैं बाहर वाले स्टोर। तो सब कुछ नॉर्मल है गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सब नॉर्मल हो गया, क्योंकि खुश होके जा रही हूँ, फाइनली मैं आज फ्री हो गई है ना। तो गाइस अभी शाम के 7:30 हो चुके हैं और हम लोग खाने पीने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आज मेरा हलवे खाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो आटे का हलवा बनाया है रची ने। देखिए गाइस टेस्टी टेस्टी हलवा, ये आज बड़ा मज़ा। थोड़े बहुत सामान भी लेने हैं मैंने मार्केट से, तो मैंने इसको बोला चल यार चल, इमोशनली ब्लैकमेल किया मैंने इसको क्योंकि ये नहीं जा रही थी। मैंने इसको बोला कि मैं पहली बार शादी के बाद पहली बार आई हूँ तेरे रूम, तो तुझे मुझे सी ऑफ करने जाना ही होगा। तो बेचारी बहुत इमोशनल है, ये तो इमोशनल होके उठ गई है क्योंकि मैंने इसको इमोशनल किया बहुत ही ज़्यादा, और तब जाके बेचारी उठ गई। तो अभी एक्टिंग कर रही है रोने की, इसको कोई रोना नहीं आ रहा है मेरे जाने पे। तो हाँ ये एक्टिंग कर रही है, ये रो नहीं रही है। वैसे अब मुझे आदत भी पड़ गई है, पर पहले पहले मैं रोती रहती थी, रोना आता था, अब मुझे थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई है क्योंकि अब शादी हो गई है भाई, रहना भी पड़ता है। तो गाइस अभी बज रहे थे 6:30, तो मैं पहुंच चुकी थी घर पे। तो मैंने मार्केट से सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह उठाई और अभी मैं निकल रही हूँ अपने गांव की तरफ। ये पुल क्रॉस करके जाते हैं हमारे गांव, और गाइस अब आएंगे ससुराल के व्लॉग, चलिए। तो गाइज मैं घर पे पहुंच गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है, और आप देख सकते हो अब मैंने डाटू डाल दिया है क्योंकि हमारे गांव में डाटू डालना पड़ता है, हमारे पहाड़ों में डाटू डालना पड़ता है। और गाइज आप देख सकते हो ये मैंने गरम जिपर पहना है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। तो अभी पहुँची हूँ मैं, और मेरे रूम की हालत देखो गाइज बहुत बुरी हालत है। अभी मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद अभी सबसे पहले कुछ खाने का सोच लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलिए गाइज मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद आपको यहाँ के ससुराल के वीडियोज़ मिलेंगे। और गाइज मैं पहली बार मेरा है अकेले ससुराल में, और मैं मिस भी कर रही हूँ अपने हस्बैंड को, बाकी सब लोगों को। तो मिस यू ऑल, बाय बाय।